हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ अविनाश कुमार और RRB ELP पेपर 2 के ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ्स में फिजिक्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं। सिलेबस अपडेट हो चुका है, आप लोगों को पता ही है। उसके अनुसार हम लोग लेक्चर भी अपडेट कर चुके हैं। ये आज का दूसरा लेक्चर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। आप लोग अगर चैप्टर 1.1 नहीं देखे हो तो ये देखने से पहले आप लोग 1.1 देख लो। उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, काफ़ी फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो अगर आप लोग वो देख लोगे तो ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, जाने से पहले आप लोग थोड़ा सा पिछले चैप्टर का समरी देख लो, क्या क्या हमने पढ़ाया था। देखो, दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूँ। पिछले चैप्टर में जो जो बताया था तो उसमें से फॉर्मूला हमने क्या क्या डिराइव किया था। एक था आपका एफ इजकल टू आर बाई टू या सी बाई टू, ठीक है। एफ क्या हो गया आपका? फोकल लेंथ, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फोकल लेंथ। आर क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। तो एफ इजकल टू आर बाई टू ये फॉर्मूला मैंने बताया था। एक मिरर इक्वेशन मैंने बताया था, यानी 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अगला लेक्चर समझोगे। एक मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, एच डैश बाई एच होता है। एच डैश हो गया आपका इमेज का हाइट और एच हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, इजकल टू -v/u होता है। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो ये तीनों फॉर्मूला रट लो। और साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर आपका प्लस होता है, नीचे आपका माइनस होता है, और दाएं बाएं में आप लोग कुछ भी मान सकते हो, बट नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो उसको प्लस मानते हैं, और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग उसको माइनस मानते हैं, ठीक है। ये चार चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी ये लेक्चर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम लोग प्लेन मिरर और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अगले चैप्टर में हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसपे कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट क्लियर करेंगे तीनों से रिलेटेड, और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्लेन मिरर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है, शीशा होता है, पीछे चांदी की परत होती है, बोला जाता है ऐसे, और उसपे पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि लाइट इस तरफ से आती है और टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या चीज है प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सेंटर कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ये एकदम सीधा है, ये किस सर्कल में आएगा, किसी स्फेयर में ये आ सकता है या सर्कल में आ सकता है? नहीं ना, सीधा लाइन। तो माना जाता है कि इसका सेंटर इनफाइनाइट पे होगा, बहुत दूर होगा, ठीक है। तो इसका सी अगर इनफाइनाइट पे है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना हो गया? इनफाइनाइट। इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? एफ इजकल टू आर बाई टू, वो भी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, देखो प्लेन मिरर में ज्यादा कंसेप्ट वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसमें दो चार चीजें ही सिंपल सिंपल चीजें होगी, इमेज किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, हाइट क्या होगा, तो वो सब देख लो। देखो, आप लोगों अपना दिमाग लगाओगे तो उससे भी ये चीज समझ में आ जाएगा, और मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबके घर में प्लेन मिरर ही होता है ना, आप लोग अपना चेहरा प्लेन मिरर में ही देखते हो ना। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में हम लोग दो पॉइंट से ही काम चलाएंगे, ठीक है। एक होगा एक्सिस पे और एक होगा किसी हाइट पे, उसको हम लोग ए और बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका इमेज भी उतना ही दूर पे बनेगा। आप लोग ज्यादा प्रूफ में मत जाओ, ठीक है, सिंपल सिंपल प्रूफ अगर होगा तो मैं बता दूंगा। और अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो उसके इमेज को ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए डैश बी डैश। इसका प्रूफ भी है, सिंपल मैथमेटिक्स प्रूफ, कि क्यों उतना दूरी पे होता है। देखो, ए से अगर सीधा लाइन आप लोग मिरर तक खींचोगे, ठीक है, तो यहां से टकराएगा तो इसी लाइन में वापस आ जाएगा ना पीछे। चलो, अगर ए से इस पॉइंट पे गया
पोल के पास, इसको पी बोलते हैं ना, तो ये ऐसा करके वापस आएगा उसी एंगल पे। अगर ये थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पिछले चैप्टर में बताया था वो भी आपको पता होना चाहिए, आई इक्वल टू आर, ये भी थीटा होगा। अगर इस लाइन को पीछे बढ़ाओगे ना, मैथ्स के तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इस लाइन को पीछे बढ़ाओगे ना तो कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, ये आपका ए डैश हो गया, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, पता है ना ये विपरीत कोण है, मैथ्स का कुछ लॉ आप लोग यूज करोगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो देख रहे हो ए, इसको अगर एम नाम देते हैं, तो ए एम पी और एम ए डैश पी दोनों अप्रोक्स सिमिलर है ना, सिमिलर ही हुआ ना, तो आपका ए एम और ए डैश एम दोनों बराबर हो जाएगा, या कहो बी पी या बी डैश पी बराबर हो जाएगा। तो बी पी इजकल टू बी डैश पी बोलो और ए एम बराबर ए डैश एम बोलो। तो बी पी ही ना आपका यू हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, और बी डैश पी क्या हो गया, वी हो गया। तो यू इजकल टू वी होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन देखो कोई भी डिस्टेंस हम लोग पी से डिनो मेजर करते हैं, ये पी देख रहे हो, ये पॉइंट यहां से हम लोग मेजर करते हैं, तो यू आपका देखो इस डायरेक्शन में है बाएं, ठीक है, और v आपका इस डायरेक्शन में है, तो अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो आपको जिसको प्लस मानना है उसको प्लस मानो, जिसको माइनस मानना है उसको माइनस मानो। तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को प्लस मानते हैं, तो o से b डैश को डायरेक्शन को अगर प्लस मानेंगे तो v आपका प्लस हो गया और u आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करोगे देखो किसी को भी प्लस मानने को है, तो दूसरा माइनस आएगा ना, तो u इक्वल टू माइनस v आ गया, ठीक है। इससे आपका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आएगा जो पिछले लेक्चर में मैंने शॉर्ट में बता दिया था, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश बाई एच। देखो इसी ट्रायंगल में आप लोग सॉल्व करोगे तो ए बी का वैल्यू ए डैश बी डैश के बराबर ही आएगा, तो वहां से भी आप लोग का डायरेक्ट वन आ जाएगा, नहीं तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस वी बाई यू, ठीक है। और इसी ट्रेंगल से आपका प्रूफ भी हो जाएगा कि एच डैश बाई एच इजकल टू माइनस वी बाई यू क्यों हुआ। देख रहे हो एच डैश आपका क्या है, ए डैश बी डैश ना, एच डैश बाई एच इजकल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी, यही हुआ ना, और ए डैश बी डैश बाई ए बी इजकल टू देखो बी डैश बी बाई बी पी, ठीक है, और ये v बाई यू हुआ, ठीक है। ये मैथ्स के लैंग्वेज में है लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी ले रहे हैं, तो देखो ए डैश बी डैश और ए बी दोनों पॉजिटिव है ना, बट अगर पी बी को पॉजिटिव मान रहे हो तो पी डैश बी डैश निगेटिव होगा, तो एक आगे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या आएगा, एक माइनस साइन आगे लग जाएगा, ये चीज समझ रहे हो वेक्टर का कंसेप्ट कैसे आया। तो यहाँ पे एच डैश बाई एच मैग्निफिकेशन इजकल टू माइनस वी बाई यू, यहीं से फॉर्मूला आ गया, और यू इजकल टू माइनस वी अभी आप निकाले थे, तो इससे आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो देखो अभी मैंने ये प्रूफ क्यों किया ना, दो तीन चीज बताने के लिए। सबसे पहले देखो प्लेन मिरर में इमेज का टाइप क्या होता है, देखो आप सीधा खड़ा हो, आपका इमेज कैसा बना है वो भी सीधा ही बना है ना, ये चीज देख रहे हो, ए ए जो है ए यहाँ पे, अगर आपका आंख है यहां से आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो ए इस दर यहां से ऐसा रे आया, यहां से ऐसा आया, तो आपको तो कैसा लगेगा, यहां से आता हुआ दिखेगा नहीं क्या, तो ए का पार्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बी का वैल्यू कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इमेज सीधा ही बन रहा है ना, तो इमेज क्या होता है, सीधा होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट हो गया, ठीक है। किस टाइप का इमेज बन रहा है, तो देखो रियल में रे का लाइट मिलने से बन रहा है, जब भी बी रे ऑफ लाइट, लाइट रे अगर एक्चुअल में मिलेगा ना, तब वो होता है आपका कौन सा इमेज, रियल इमेज। लेकिन जब ऐसा डॉट डॉट लाइन, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, देखो लाइट इधर आ रहा है ना, वो मुड़ रहा है इस तरफ से, ये ए से आ रहा है एक्चुअल में,
लेकिन आपको वो यहां से ना आता दिखकर यहां से आता दिखेगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनरी लाइट पीछे बढ़ाए हो तो यहां से हो रहा है, तो आपको लगेगा कि अच्छा लाइट यहां से आ रहा है। तो कैसा आपका इमेज बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल टर्म ज्यादा होता है, ठीक है। तो इरेक्ट होता है एंड वर्चुअल होता है। आगे जाके आप लोग सीखोगे, मैं बताऊंगा, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है ना तो वो सीधा होता है, और जब भी रियल इमेज बनता है ना तो वो उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखो, प्लेन मिरर के केस में इमेज सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है, और वर्चुअल होता है मतलब रियल वाला नहीं बनता है। और रियल इमेज के बारे में एक और चीज बोला जा सकता है, देखो वहां पे आप पर्दा लगाओगे, कोई कवर लगाओगे, कोई पेपर रखेगो ना, तो एक्चुअल में वो फोटो बन जाएगा, ठीक है। कैमरा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन वर्चुअल इमेज में जैसे देखो इस जगह ए डैश बी डैश, यहाँ पे अगर हम लोग कोई कागज रखेंगे तो वहां तक लाइट रियल में पहुंचा है नहीं ना पहुंचा है, हम ही लोग ने इमेजिन कर रहे हैं ना, तो वो फोटो नहीं बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेन मिरर या वर्चुअल मिरर को हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, तो आंसर होगा वहां पे नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, एम मैग्नीफायर, ठीक है, मैग्निफिकेशन इस टाइप का पूछेगा कि प्लेन मिरर के केस में कितना होता है, तो कितना होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा आपका इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे मैं एक दो सिंपल वाला कंसेप्ट बता देता हूँ जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने एक दो बुक खोजा बट मेरे टाइम में मैंने पढ़ा था, तो ये चीज मैंने पढ़ा था और काफी इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग से ऐसा पूछ सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस टाइप के भी आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट चेक होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा प्लेन मिरर दिया हुआ है, मैं प्लेन मिरर बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इस रहे ऐसा रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा, ठीक है, अगर प्लेन मिरर की तरफ वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको अपना इमेज कितना स्पीड से आता हुआ दिखेगा, समझ रहे हो ये क्वेश्चन। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मिरर के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा दौड़ रहा है, तो उसको अपना इमेज कितना के स्पीड से आता हुआ दिखेगा। ऑप्शन में रहेगा 0, 5, 10 ऐसा करके रहेगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो देखो अगर ऐसा मिरर है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, अगर यहाँ पे है 1 घंटा में, ये मान लो 1 सेकंड के लिए, 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर ना, तो अगर अभी यहाँ पे मान लो ए के दूरी पर है तो उसका इमेज भी कितना दूरी पे होगा, ए के दूरी पे ही होगा ना। अगर 1 घंटा में ये 5 किलोमीटर आगे गया, 5 किलोमीटर, तो उसका इमेज भी 5 किलोमीटर आगे आया ना, ये चीज आप लोग समझ रहे हो। तो देखो अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पहले कंडीशन में 2a, 1 घंटा बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो ये दोनों आप लोग नोटिस करो, तो a-5 + a-5 यानी 2a-10, इसका मतलब आप लोग कुछ समझ रहे हो। पहले दोनों के बीच में 2a की दूरी थी और 1 घंटा बाद दोनों के बीच में 2a-10 की दूरी है, मतलब वो 10 किलोमीटर अपने इमेज के नजदीक आया है। देखो आईने के सामने आप खड़े रहोगे और आप 1 मीटर चलोगे 1 कदम, तो आपका फोटो जो बनेगा वो भी तो 1 मीटर आगे चलेगा ना, तो आप लोग तो 2 मीटर नजदीक आए हो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब उसका स्पीड उसको 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दिखाई देगा, ठीक है। मैं सिंपल तरीका से समझाया हूँ ये आपको, आप लोग मैथ से भी बनाओगे तो समझ जाएगा, लेकिन ये सिंपल तरीके से समझो। तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्ट वाला चीज है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा बदल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, अगर वो ऐसे दौड़ता 5 किलोमीटर ना, बोलता कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर मिरर के पैरलर में दौड़ रहा है तब क्या होगा, तो देखो उसका इमेज भी इसी तरफ दौड़ेगा ना।
अगर ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर आगे गया है तो इसका इमेज भी 1 घंटा में 5 किलोमीटर आगे जाएगा ना, ये चीज समझ रहे हो। आईने के सामने आप खड़े रहोगे और 1 मीटर आईने के तरफ नहीं, आईने के सामने आ रहे हो, जैसा इस पिक्चर में मैंने बताया ये पार्ट, तो आपका इमेज भी ना 1 मीटर या 1 किलोमीटर जो स्पीड से आप जा रहे हो वैसा जाएगा। तो उस समय आपके इमेज का स्पीड कितना होगा, उतने का उतना ही होगा। ठीक है, तो काफी ये सिंपल सा कंसेप्ट वाला चीज है, आप लोग से डायरेक्ट पूछ सकता है कि अगर मिरर के तरफ जाएंगे तब कितना होगा, तो जो स्पीड दिया रहे ना उसका 2 गुना कर देना। ठीक है, और अगर आप मिरर के पैरेलल समानांतर जा रहे हो तो जो स्पीड रहेगा ना उतना ही स्पीड में आपका आंसर आएगा, समझे, सिंपल सा चीज है। चलिए एक और मैं थोड़ा लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं नहीं पता मुझे, मैं बता देता हूँ बस, इससे आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चंस ऐसा रहेगा ना कि आपकी लंबाई 6 फीट है, तो आपको अपना चेहरा देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए। ठीक है, आपकी लंबाई दिया रहेगा या कोई ऑब्जेक्ट का लंबाई दिया रहेगा और कहेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास अगर हम लोग खड़े हैं तो देखो मिनिमम लेंथ पूछेगा, क्योंकि देखो आप 6 फीट के हो और आईना अगर 10 फीट का है तो आप लोग तो देख ही सकते हो ना। ठीक है, तो 6 फीट से बड़ा है तब तो हम लोग देख ही सकते हैं, हम लोग को मिनिमम लेंथ निकालना है। तो देखो ये भी मैथ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आईना है, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो, ये आप हो, ये ए बी मान लो। तो देखो हम लोग को अपना फोटो देखना है, ठीक है, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है हम लोग, तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे बनेगा ना, ए डैश बी डैश मान लेते हैं, समझ रहे हो। अब देखो ए का प्रतिबिंब हम लोग को देखना है और हम ही लोग को हम लोग का फोटो देखना है, हम लोग का आंख कहाँ पे होगा, अप्रोक्स ए के पास होगा ना। ठीक है, तो हम लोग का अपना पूरा शरीर देखने के लिए, अगर हम लोग अपना आंख भी देख सकते हैं और पाँव भी देख सकते हैं तो हम लोग अपना पूरा शरीर तो देख सकते हैं, समझ रहे हो। सबसे ऊपर वाला पार्ट आंख है, होता तो सर है, बट यहाँ पे सॉल्व करने के मकसद से मान लो आंख अगर देख लिए और पाँव देख लिए तो हम लोग अपना पूरा शरीर देख सकते हैं ना, क्योंकि पूरा शरीर आंख और पाँव के बीच में ही होता है ना। तो अगर इसका डायग्राम बनाओगे ना, अगर ए से कोई लाइट जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही वापस आ जाएगा। अगर बी बी हम लोग को अपना पाँव देखना है, पाँव यानी बी, तो बी का लाइट, बी से जो लाइट निकलेगा वो ए तक पहुंचना चाहिए ना हमारी आंखों तक, तो इसका मतलब बी से जो लाइट निकलेगा वो हमारे ए तक पहुंचना चाहिए, ये चीज समझ रहे हो, थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज है, ये चीज समझ रहे हो। बी से अगर बी को हम लोग देख लिए तो बी से ऊपर अगर मान लो कोई सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये सब दो देख ही सकते हो ना, बी अगर देख लिए तो मिरर हम लोग को कितना लंबा चाहिए, तो ये पॉइंट इतना ही लंबा मिरर चाहिए ना हम लोग को, इसका लेंथ निकालना है ना, यही हमारा मिनिमम लेंथ हो गया। इसको मान लो मिरर है ना, इसको एम एन से लिखते हैं, ठीक है, हम लोग को ये सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो देखो ए है बी है और ये पॉइंट एंगल यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग को याद होगा, ये हो गया आई, ये हो गया आर, दोनों बराबर होगा, दोनों को थीटा मान लो, ठीक है, और इसको सी मान लो, तो सी एन दोनों में कॉमन है, थीटा आपका बराबर है, आप लोग सॉल्व करोगे ये 90 है ना, आर एच एस का रूल लगाओगे, मैथ्स में आप लोग पढ़े होगे, तो बी सी बराबर ए सी आएगा। ठीक है, और देखो सी एन पैरलर टू ए एम है, इससे आप लोग सॉल्व करोगे ना तो ए सी इजकल टू एम एन आएगा, और ए बी क्या है आपका, ए सी का दुगुना है ना, क्यों, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिखो ए सी प्लस बी सी, बी सी और ए सी बराबर है, तो वो आ गया आपका ए सी प्लस ए सी इजकल टू 2 ए सी, और ए सी किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। ठीक है, अब देखो ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम एन क्या है, हाइट ऑफ मिरर, यहाँ पे 2 एम एन लिख देते हैं। तो
तो 2 × हाइट ऑफ मिरर, ये मैंने आप लोग को प्रूफ कर दिया। इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अपना चेहरा देखने के लिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, आपके हाइट का आधा होना चाहिए ना। एच मिरर इज इक्वल टू एच ऑफ ऑब्जेक्ट बाई टू, ठीक है। ये मैंने प्रूफ आप लोगों को क्यों किया, प्रूफ करना जरूरी नहीं था, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता सकता था, बट मैंने प्रूफ क्यों किया है ना कि आप लोग को जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा ना कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। तो कैसे मैंने सॉल्व किया देख रहे हो, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। बी भी हमको यहाँ पे पहुंचना चाहिए मेरे आंख पे, और ए भी मेरे आंख पे पहुंचना चाहिए। तो फिर मैथ्स लगाओगे, जैसा ट्रायंगल मैंने अभी सॉल्व किया है तो वैसा सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी बता दिया है और आपको थ्योरी भी बता दिया है, ठीक है। तो देखो लाइट से जो भी क्वेश्चन अगर प्लेन मिरर से रिलेटेड आएगा ना, तो यही दो तीन चीज से आएगा। पहला चीज ये आएगा आपका, ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, इससे आपका क्या क्या निकलेगा, ये निकलेगा एफ इजकल टू इनफाइनाइट निकलेगा, ये पॉइंट। आर पूछ देगा तो वो इनफाइनाइट होगा, मैग्निफिकेशन पूछ देगा तो वो आपका वन हो जाएगा। किस टाइप का इमेज होता है, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, ये आपसे पूछ सकता है। अगर ऐसा पूछेगा कि इमेज अगर 5 किलोमीटर या किसी वेलोसिटी से दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, तो आप अगर सीधे आ रहे हो मतलब प्लेन मिरर के अगर परपेंडिकुलर आ रहे हो तो 2 गुना कर देना, और अगर प्लेन मिरर के पैरेलल आ रहे हो तो उतना ही कर देना। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बता दिया है, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मिरर का हाइट कितना होना चाहिए तो सीधे आधा कर देना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। देखो आप लोग का अगला टॉपिक है कनकेव मिरर, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं और इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर ऐसा होता है, ये पिछले चैप्टर चैप्टर में मैंने बताया था, केव जैसा शेप दिख रहे हो, केव गुफा कैसी होती है ऐसी होती है ना, तो केव जैसा ही कुछ कुछ शेप है ये। इसका यहाँ पे सेंटर मान लो इसको, ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका फोकस हो गया और ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। कनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ये याद रखो। डायरेक्ट पूछ सकता है कि विच वन ऑफ देम इज कन्वर्जिंग मिरर, ऑप्शन में कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर दे देगा, आपका आंसर क्या होगा, कनकेव मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं जानना है। देखो कोई भी लाइट आया आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसको पैरेक्सियल रे भी बोलते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो फोकस से होकर गुजरता है। क्यों होकर गुजरता है, ये मैंने चैप्टर 1.1 में बताया था, ठीक है। सॉल्व करोगे तो सी से अगर कोई लाइन मारोगे तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, इसीलिए फोकस से गुजरता है। एक्चुअली फोकस से गुजरता नहीं है, जिस पॉइंट से गुजरता है ना उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, समझ रहे हो, मतलब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया ये, समझ रहे हो। तो इसीलिए देख रहे हो जो भी लाइट आ रहा है, जो भी लाइट आएगा सब फोकस से गुजरेगा, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, मतलब ये सब मतलब घना हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर हम लोग बोलते हैं। इसमें किस टाइप का इमेज बनता है, टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, इसको होगा तो अगले चैप्टर में अगर आप लोग बोलोगे कमेंट कर देना तो मैं प्रूफ भी करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें रियल इमेज बनता है, ज्यादातर केस में रियल इमेज भी बनता है, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ वो इरेक्ट मतलब सीधा भी बनता है और इन्वर्टेड यानी उल्टा भी बनता है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आप लोग से पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर टाइप ऑफ इमेज इज रियल एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। तो याद रखो कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर में रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड हर टाइप का बनता है। टॉर्च, अच्छा एग्जाम्पल एक टॉर्च होता है, एग्जैक्ट उसमें कनकेव होता नहीं है,
कुछ पैराबोलिक होता है, लेकिन आप लोग बोल सकते हो। टॉर्च में अगर पूछेगा ना कि किस टाइप का सरफेस रहता है, तो कनकेव वाला सरफेस रहता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ देता है थ्योरेटिकल। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग टॉर्च बोल सकते हो, और सिर्फ टॉर्च नहीं, जो कार होते हैं ना, कार का जो हेडलाइट होता है, तो वो सब में किस टाइप का मिरर यूज होता है आप लोग से पूछेगा, तो कनकेव मिरर। ठीक है, और अगले चैप्टर में होगा ना, तो इसमें हम लोग कहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे होता है वो हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे, और उसके लिए हम लोग 1/u या 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप सब ये फॉर्मूला समझ लो, इस पे अगर एक दो क्वेश्चन कुछ मिले तो पहले खुद से बनाकर देखो, नहीं तो मैं तो आगे मॉक टेस्ट लेने ही वाला हूँ, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, ये आप लोग 1.1 में मैंने बताया है, तो ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता होगा तभी आप लोग समझ पाओगे, नहीं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर का आप लोगों का लगभग पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, और कनकेव मिरर का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगले चैप्टर में हम लोग कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर होगा तो कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा, और होगा तो मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, एक या दो मॉक टेस्ट लेंगे आप लोग जितना बोलोगे, या बीच बीच में दो पार्ट में उसको तोड़ भी सकते हैं, कनकेव मिरर प्लेन मिरर का एक बार में, और जब कन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो पूरा चैप्टर का एक बार में ले लेंगे। तो कैसे आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करो, और चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज उन लोगों को बताओ, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो थैंक यू।